डे है आज तुम्हारा? इंडोनेशियन डे। चलो फिर जाओ, अल्लाह से। रेड एंड व्हाइट, इट्स रेड फॉर द व्हाइट, बट नाउ इट इज व्हिच डे? इंडोनेशियन डे। इंडोनेशियन डे में क्या करना होता है? We're gonna have some fun activities today. हाँ, ड्राइंग भी? चलो बैठो, ओपन द कार। चलो 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 आराम से, दिशान छोड़ के नहीं आना जैकेट, ओके? मेक श्योर टू पुट इन द बैग। अल्लाह हाफिज कौन बोलेगा? गाड़ी को देखो। हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सबके, क्या हो रहा है? आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आधा टाइम तो मैं ड्राइव करते हुए ही वीडियोस बनाती हूँ। आपको पता है यहाँ की बस ऐसे ही बिजी लाइफ है, तो सारे काम ही करने के लिए जाना पड़ता है। सो विदाउट ड्राइव तो आप जा नहीं सकते, तो इस वजह से मोस्टली टाइमिंग जो है ना ड्राइव करते हुए गुजरती है। तो मैं बस ब्लॉग वहीं से शुरू कर लेती हूँ। कई दफ़ा सुबह का टाइम इतना बिजी होता है, बच्चे भी रश में होते हैं, मैं भी बस जल्दी जल्दी के चक्कर में वीडियो नहीं बना पाती। सो बस अब मैं जा रही हूँ, एक दो काम है मेरे, अपना स्टॉक उठाना है मुझे जहाँ से मैं लेकर आती हूँ, क्विल्ट्स वगैरह का काम करती हूँ मैं, तो बस वो लेने जा रही हूँ। और एक दो काम मुझे और है वो करने हैं, उसके बाद मैं आऊँगी। बच्चों के स्कूल आने से पहले पहले कोशिश करूँगी कि घर आ जाऊँ, उसके बाद मैं दोबारा से जाऊँगी शॉपिंग करने थोड़ा सा। तो बस यही है आज की रूटीन, और उसके बाद शाम को देखते हैं अगर कहीं गए, या फिर मेरा है कि मेरे अपना बिजनेस का जो लाइव करती हूँ वो करूँगी आज। कल भी नहीं कर पाई थी, कल मैं करने लगी थी लेकिन बैक पेन इतनी ज़्यादा हो गई थी तो इस वजह से नहीं कर पाई। और आज एक और कारनामा हो गया मेरे साथ, एक और मिस हैपन, वो मतलब ये था कि मैंने कलर लगाया तो वो पता नहीं, मुझे लगा मैं बस ख़त्म हो गया, तो जब मैंने लगाया वो पुराना सा कहीं से मुझे मिला, तो वो मेरे सारे बाल जो है ना एक घंटे तक मैं लगाए रखी और उसके बाद उस पर कलर चढ़ा ही नहीं, तो मेरा जो टाइम था ना एक घंटे का सुबह सुबह वो ख़राब हो गया। अदरवाइज मैं पहले ही निकल जाते तो मैं सो गई थी बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, तो जब उठी हूँ तो लेट हो गई, उठते उठते फिर भी 11 बज गए। उसके बाद मैंने फिर जल्दी जल्दी नाश्ता किया और एक दो काम थे वो किए, और वो कलर ने जो मेरा एक घंटा ख़राब किया वो मेरा ख़राब हुआ। तो बस यही थी आज की मॉर्निंग जो कि ऐसे ही गुजर गई जल्दी के चक्कर में। कभी कभी काम ख़राब ही हो जाते हैं, बंदा सोचता है ना जिस दिन आपको जल्दी होती है उस दिन तो कुछ ना कुछ होता ही है ऐसे। तो बस आज मेरे साथ ये वाली चीज़ हुई। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, तो फिर वहाँ से मैं लेती आऊँगी। अभी भी मैं जा रही हूँ मार्केट की तरफ ही, लेकिन वो मैं अपने काम से जा रही हूँ, मतलब शॉपिंग करने नहीं जा रही हूँ। फिर आफ्टरनून में आफ्टर जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे उसके बाद जाऊँगी मैं घर के पास वाले मार्केट में, तो मेरी नेबर्स को भी कुछ सामान लेना है, उनको भी साथ में लेके जाऊंगी, फिर मैं भी जाऊंगी। तो बस चलिए फिर मैं पहुंच के आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है? सो ये मैं यहाँ पे आई थी अपने काम से इधर सामान देखने। अब मेरा दिल कर रहा है फार्मेसी में कुछ देखने लग जाऊँ, जहाँ भी जाती हूँ। शूज लगे हुए बहुत अच्छे सोल वाले, बट ये स्कूल के हैं तो लेट्स सी, अगर किरण को पसंद आ गए तो ले लेंगी। और ये गिफ्ट पैक लगे हुए यहाँ पे, बड़े अच्छे हैं ये। सामान लेने के लिए ब
बच्चों के कपड़े मुझे अच्छे लग गए। तो बस शॉपिंग सेंटर में ज़रा रिकॉर्डिंग करना मुश्किल हो जाता है, लोग देखते रहते हैं सारा टाइम। तो चलो कोई बात नहीं, हेलो अस्सलाम वालेकुम। डिड यू से सलाम? लुक एट मी, ये बैग क्यों खोल रहा है? निशान वहां रखना है बैग, यहाँ पे आओ किरण लेकर। नो यस I just came and I'm going in somewhere again. या वो सांटी के साथ जाना है मुझे। आ जा। Can you come? Surprise for you. वो आपको तो कपड़े चेंज ही नहीं करने, मुझे लगा करने करने। I'm just gonna change my clothes. Okay. What's the surprise? Can you just check the bag? What surprise is this? Show me. At least kya hai? But there's no gulab jamun. Check. Yes. Check. Kya tha? Making gulab jamun. You love it? School ka din kaisa raha? Good. Maza aaya? One more thing. No, not this. You like samosa? No, what's it? What is this? Kebab, you like it? Kebab. Okay, I'm making it home and then giving it to you, okay? अब ये हम खा रहे हैं और मम्मा रिकॉर्ड कर रही थी। सो ये वहाँ पे जब बच्चे बर्गर खा रहे थे तो मैं वहीं से अपने लिए समोसा ले आई थी। बहुत दिन बाद मैंने आज समोसा खाया, क्योंकि फ्राई चीज़ें मैं बहुत दिन से नहीं खा रही हूँ, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो आज खा लेती हूँ चाय के साथ समोसा। तो मैंने आज फिर चाय और समोसा खाया। फिर ये मैं सोकर पे लेकर गई थी बच्चों को, जिशान को और सात को लेकर गई थी, और बस बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन जल्दी से उनको मैं ड्रॉप करके आ गई थी। तो फिर मैंने उनके थोड़ी सी वीडियो भी बना ली थी, तो आप लोग देख सकते हैं जिशान भी कितना अच्छा खेलने लग गया और सात भी कितने अच्छे से बच्चे खेलने लग गए। काफ़ी टाइम हो गया इनको जाते हुए, तो बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं बच्चे माशाल्लाह से। और आप लोग भी देखें कितना अच्छा खेलते हैं, दोनों भाग रहे। तो बस ये घर के पास ही, ये करीब ही 2 मिनट लगे थे ड्रॉप करने में, फिर इनके 1 घंटे की क्लास होती है। तो बस फिर मैं छोड़ आई थी इनको और मैं वापस घर आ गई थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी, इसलिए मैं वहाँ रुकी नहीं और घर वापस आ गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो क्या हो रहा है, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सारा दिन शॉपिंग कर कर के। तो फिर अब मैं घर आई हूँ, अभी बैठी हूँ, बस थोड़ी देर चाय पीऊँगी अभी उठ के। दिशान को छोड़ के आई हूँ सोकर में, अभी बस थोड़ी देर पहले ही दिशान को सोकर में छोड़ के आई हूँ, और अभी मैं वेट कर रही हूँ कि उसको लेने जाना पड़ेगा अभी। तो बस आज का दिन भी बहुत ज़्यादा बिजी था, आजकल तो रूटीन ऐसे बिजी चल रही है, सुबह से शाम हो जाती है। रमज़ान भी आने वाला है, तो सब लोग कमेंट्स में बताइए कि सब ने किस किस ने रमज़ान की तैयारी कर ली और क्या क्या तैयारी की, सब ने क्या क्या बना लिया। मैं भी बस अभी तैयारी स्टार्ट करूँगी, अभी तक मैंने कोई तैयारी नहीं की, तो सोच तो रही हूँ कि तैयारी स्टार्ट करूँ। लेट्स सी कि कब स्टार्ट करते हैं, होपिंग फॉर द बेस्ट। तो ये देखे, ये पाकिस्तान में जो मिलते हैं ना राउंड वाले, ये किस किस को पसंद होते? ये जिशान को बहुत पसंद है, है ना जिशान? यू लाइक इट? आपको अच्छे लगे कि नहीं जिशान? यू लाइक इट और नॉट? तो ये जिशान को बहुत पसंद है। और क्या
2 सेकंड ना बेबी, इसको इतनी जल्दी होती है ना देखने की। तो ये और ये मैं खा रही हूँ और ये मेरी चाय है। तो हम सब आज जो है ना डिनर के बाद ये चाय पापे खा रहे हैं। ये राउंड वाले रस होते हैं ना, बहुत मज़े के होते हैं, पाकिस्तान वाले ये वाले होते हैं ना। आजकल मेरे बच्चों को इसी की बाकर खानी और ये वाला खाने का बहुत शौक हुआ है। तो ये अब जिशान कह रहा था कि मुझे भूख लगी है तो मुझे यही खाना है, डिनर नहीं करना। दिस इज कॉल्ड चाय पापे बट दिस इज राउंड वन। ठीक है, पसंद आया आपको कि नहीं? तो ये बहुत मज़े के हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं कर रही हूँ अब सोने की तैयारी, सोचा व्लॉग को एंड कर दूँ। तो बस ये देखे, ये मैं अपने राउंड वाले रस और चाय बनाई है अपने लिए, वो एंजॉय कर रही हूँ। तो बस चाय पीऊँगी, ये देखे चाय पीऊँगी मैं, भरा हुआ कप, इतना बड़ा जग जितना, और उसके बाद मैं ब्लॉग को एंड करूंगी। सो जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियोस, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखे और वीडियोस शेयर करना कभी मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, आप लोगों के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को व्लॉग पसंद आ रहे हैं या नहीं, या कुछ चेंजेस करनी है मुझे। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल नॉर्मली जो घर वाली वीडियोज़ होती है वही बनाती हूँ। तो बस धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगी, टाइम लगेगा थोड़ा सा। आपको पता है जनरली जब आप कुछ भी स्टार्ट करते हो तो आपको उनकी मतलब छोटी छोटी चीज़ों का पता नहीं होता। तो मैं बस बिल्कुल नॉर्मली बनाती हूँ जैसे मुझे समझ में आती है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि व्लॉग कैसे लग रहे हैं। फिर मिलते हैं हम कल, कल वीकेंड है, सैटरडे है, तो लेट्स सी कि क्या हमारी रूटीन रहती है। कल मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा ज़रूर, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। और आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।